चलिए अभी हमारे साथ और पैनल जो है वो और बड़ा हुआ है। हमारे साथ मिस्टर विजय चैटर्जी हैं, साथ ही साथ मिस्टर हरिंदर सिक्का हैं और हमारे साथ मिस्टर अजय श्रीराम हैं मौजूद बात करने के लिए। मिस्टर श्रीराम, पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, एग्जैक्टली बजट स्पीच को आपने सुना, आई थिंक रूरल इंडिया, दूसरी बात इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर रहा, रेल रोड को मिला के लगभग 2 लाख आई मीन 2.18 ट्रिलियन का अगर आप देखें तो इनको आवंटन किया गया है। एग्जैक्टली सर, बजट को ओवरऑल मार्क्स कितने देंगे आप, और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या लगा सर आपको इस बजट स्पीच का? देखिए, मार्क्स देना तो मेरी समझ से ये ठीक नहीं होगा क्योंकि फाइन प्रिंट किसी ने देखा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर ने 9 पॉइंट शुरू में ही अपने आइडेंटिफाई करे, हर एक पे डिटेल में गए, हर एक के बारे में उन्होंने बताया क्या करना चाहते हैं, मुझे तो याद नहीं पिछले 10 साल में इस तरह के डिटेल किसी ने प्रेजेंट करा होगा। तो मेरे ख्याल से ये डिटेल बजट तो है ही, दे हैव मेड एन एफर्ट कि हर एक न्यूएंसेस को समझ में आए ताकि उस पर वो एलोकेट और फोकस कर सके। बिल्कुल, तो ओवरऑल ये तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है। दूसरा, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टरऑल 60-65% हमारी पॉपुलेशन वहाँ रहती है। इन पिछले 2 साल मानसून ठीक नहीं रहे हैं, इनकम बहुत गिरी है, और अगर वहाँ पर इनकम नहीं बढ़ेगी सारे भारत की इकोनॉमी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। right. तो गवर्नमेंट का फोकस कि भाई 5 साल में रूरल फार्मर इनकम डबल करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फर्टिलाइज़र पे देखना चाह रहे हैं, इरिगेशन पे फोकस कर रहे हैं, रूरल रोड पे फोकस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, मेरे ख्याल रूरल इंडिया में बहुत स्कोप है। और जो डायरेक्शन सेट करा है रूरल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे ख्याल से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई भी देश के लिए बैकबोन है। हम तो इसे मदर इंडिया बजट ही कह रहे हैं, इसीलिए हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए हमारे साथ मिस्टर हरिंदर सिक्का भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मिस्टर सिक्का, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एक तो रूरल जो बेस है उसके लिए काफ़ी कुछ किया गया है, फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, और साथ ही जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके लिए भी काफ़ी कुछ किया गया है। इनका सेक्टोरल इम्पैक्ट आप कैसा देख रहे हैं? अब तक जो हुआ है पिछले कई सालों में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ज़्यादा जोर हुआ था। बजट एक आता था लेकिन बिटवीन दी लाइंस बहुत कुछ कह दिया जाता था। ये पहली बार है कि इनडायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, और वो इनडायरेक्ट बेनिफिट जो टैक्स के थ्रू, एग्जम्पशंस के थ्रू, वेरियस अदर पॉलिसीज़ के थ्रू, वो जो एक एम्प्लॉय को ज़्यादा इनकम घर में आती है, नॉट ओनली उसका जो रिबेट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू दी मिडिल एंड लो इनकम ग्रुप लेवल्स इन अ बिग वे। ये पहली बार हुआ है कि एक ट्रांसपेरेंट अप्रोच बजट के लिए रखी गई है। एक 9 चैप्टर्स बना दिए, ईच चैप्टर वॉज डिस्कस्ड, ईच चैप्टर वॉज थ्रेडबेयर ब्रेनस्टॉर्म्ड, एंड उसमें वो क्या पॉलिसी, क्या अप्रोच है उसको सामने लेकर आए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक मेजर विच इज़ ओनली गोइंग टू इम्प्रूव एंड सेट हायर बेंचमार्क्स जो आने वाले जो समय में। तीसरा, जो फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर में जो जोर दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये पावर पैक्ड बजट है। इसको आप 2 लाइनों में या नंबरों में नहीं गिन सकते, इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जो अप्रोच है, जैसे इन्होंने पिछले बजट में बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ का और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में जोर दिया था, अभी इस साल रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा फंक्शन पर जोर दिया है, तो दिस इज़ यू नो he has certain limitations. बिल्कुल, उन limitations के बीच में से अगर आप देखें अच्छा रास्ता निकालने की कोशिश की है। मिस्टर शाह, एग्जैक्टली मैं आपके पास आना चाहूंगा। आई थिंक मैं थोड़ा सा बैंकिंग पे फोकस कर रहा था पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहूंगा, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस पर जो पैसा दिया गया है, रोड कंस्ट्रक्शन पे, रेलवे पे, और इन सब चीज़ों को देखते हुए आई थिंक आई मीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहा है वित्त मंत्री का, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको देखते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या राय रखेंगे, और क्या इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेस के बॉटम आउट होने के संकेत मिल रहे हैं आफ्टर दिस बजट, आफ्टर दिस नंबर्स, आफ्टर दिस एलोकेशन? उसको बढ़ावा देने की है। रशेश जी आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हेलो, या आई कैन हियर यू। यस यस, एग्जैक्टली योर टेक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सर। या ये जो आई थिंक
ये जो उनका पूरा फोकस है, ये जो रूरल पे फोकस था, इंफ्रा पे फोकस था, इससे आई थिंक कंजम्पशन भी अच्छी होगी और इन्वेस्टमेंट भी अच्छी होगी. जो रूरल स्पेंडिंग है उससे कंजम्पशन इम्प्रूव होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है उससे इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होगा, स्पेशली रोड और रेल पे जो जो इन्होंने एलोकेशन किए हैं. तो ये जो है इनका जो पूरा यू नो पूरा बैलेंस था, थोड़ा स्पेंड करना है, थोड़ा कंजम्पशन को बूस्ट देना है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देना है, कुछ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिफॉर्म लाए हैं. जो ARC के जो स्ट्रेंथनिंग है, 100% यू नो स्पॉन्सर होल्डिंग है, वो बहुत अच्छी है. बैंक्स के लिए NPA क्लीनअप के लिए बहुत अच्छा होगा. और एक चीज़ हमें ये भी मानना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ बैंकों में वो गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से नीचे भी लेके आ सकते हैं, वो बहुत अच्छा है. क्योंकि ये फर्स्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये शायद कुछ कुछ गवर्नमेंट बैंक्स में से निकल भी जाएंगे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है. तो ये काफ़ी बैलेंस्ड है एंड आई थिंक इसमें इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन काफ़ी है, स्पेशली इंफ्रा पे, क्योंकि इंफ्रा पे गवर्नमेंट को ही स्पेंड करना होगा. इंफ्रा के ऊपर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट अनदर एक साल के लिए आएगा नहीं, और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अभी नहीं आएंगे. इंफ्रा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें गवर्नमेंट ने अच्छा एलोकेशन किया है, तो मैं इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ. चलिए बिल्कुल. तो आप इनफैक्ट आपसे और मिस्टर सिक्का दोनों से तो बात करके ऐसा लगता है कि ये एक सुपर हिट बजट है, क्योंकि आपने भी 4.5 आउट ऑफ 5 दिया और कहा मैं वित्त मंत्री को ऑस्कर दूंगा. मिस्टर सिक्का ने भी कहा कि ये एक वाकई बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है. बहुत बहुत शुक्रिया रसेश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. लेकिन वीरेंद्र, ये जो हमारी थीम है उसमें अगर हम देखें तो क्या रसेश जी या क्या मिस्टर सिक्का, इनकी बात से तो यही लगता है कि उन्हें एक दबंग डॉन तरह से इन्होंने मार दिए. इसके कारण हो सकता है, आप देखें, दरअसल हमने प्री बजट एनालिसिस में, बातचीत में, बाजार को देखते देखते 7600 से 7000 के सफर में अपने आप को बैंक्स को लेकर इतना फोकस कर लिया था ना, कि बैंक्स के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था. ऐसा लग रहा था कि उसे छोड़कर और कुछ होने ही नहीं वाला है. विनायक चटर्जी जी हमारे साथ है. सर, आप आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि जितना हो सकता था उतना हुआ इस बजट में? देना चाहता हूँ, बट दो जो फोकस है बजट, एक्सपेक्टेड लाइंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी बातचीत हो गई. दिस इज वेरी क्लियरली अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट ईयर. इतना अक्रॉस इरिगेशन, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, 100 अर्बन क्लस्टर्स एंड रूरल रोड्स, दिस इज क्लियरली, इफ यू बंडल ऑल ऑफ दैट टुगेदर, इट इज वेरी क्लियरली अ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस बजट. बट मैं PPP के बारे में भी कुछ बात आपसे कहने वाले हूँ, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री के तरफ से काफी सजेशंस दिया हुआ था सरकार को ऑन हाउ टू रिवाइव PPP. तो उन्होंने चारों बात मान गए. ये भी बहुत बड़ी खबर है आपके लिए. पहले तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जितना पैसा फंसे हुए हैं ऑन डिस्प्यूट्स एंड आर्बिट्रेशन एंड क्लेम्स, उसके लिए सरकार ने पब्लिक यूटिलिटीज रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिल वित्त मंत्री ने अनाउंस की. पीपीपी प्रोजेक्ट जो फंसे हुए हैं या आगे भी फंसने की उम्मीद है, उनके लिए रीनेगोशिएशन ऑफ PPP कॉन्ट्रैक्ट्स गाइडलाइंस अनाउंस की है. क्रेडिट रेटिंग के लिए नया गाइडलाइंस क्या होता है, आजकल क्रेडिट रेटिंग के ऊपर प्राइवेट डेवलपर्स कैन रेज कैपिटल, तो ये सिस्टम बहुत पुराने टाइप के थे. तो उन्होंने क्या है कि नया गाइडलाइंस फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ वेरियस स्टेजेस, डेवलपमेंट रिस्क, कंस्ट्रक्शन रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, में क्रेडिट रेटिंग सिस्टम भी फॉलो करेगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्राइवेट सेक्टर विल बी एबल टू रेज कैपिटल चीपर. और फाइनली उन्होंने ये अनाउंस किया कि रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इनविट्स, दोनों में 3 साल पहले अनाउंस हुई थी बट कोई मूवमेंट नहीं थी. इस बार ही हैज क्लियरली अनाउंस दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द हैंड ऑफ द रेसिपिएंट. अभी रीट्स और इन्वेस्ट ट्रस्ट दौड़ने की उम्मीद है. ओके, इस बीच मिस्टर पी बालाजी भी, मिस्टर चटर्जी थोड़ा सा, मेरे पास समय की कमी है सर, प्लीज माफ कीजिएगा मुझे. मिस्टर पी बालाजी भी हमारे साथ हैं बजट पे अपना ठीक देने के लिए. सर, बजट एग्जैक्टली आपको कैसा लगा? और आई थिंक सर्विस टैक्स का ना बढ़ना, जिसका खतरा था इस बजट में, उसका ना बढ़ना, ये कितना बड़ा रिलीफ है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो रूरल फोकस जो आया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बल दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेलीकॉम और ICT के लिए भी रूरल सेक्टर से जो ग्रोथ मिलता है उससे बहुत लाभ होने वाला है. ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्किल्स और एजुकेशन पे भी काफ़ी जोर दिया गया है, जिसमें ICT और टेलीकॉम का काफ़ी बड़ा रोल रहेगा. तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत एक सधा हुआ और बैलेंस बजट है एंड ओवरऑल अच्छा आया है. और जो आपने बात कही है कि जो प्रायोरिटीज गवर्नमेंट की थी उस पर ये कायम रहे हैं, विच इज़ एक्सेलेंट. बिल्कुल. चलिए मिस्टर बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के.